नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बैंकिंग फर्स्ट। दोस्तों आज हम फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिडाई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फिडाई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगस्त 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों इसके स्थापना होने से पहले ये फॉरेन बैंक और प्राइवेट बैंक ये लोग का एक एसोसिएशन हुआ करता था जो एक्सचेंज का काम करता था, मेनली 5 शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अमृतसर में। फिडाई होने से पहले ये जो है ये यही 5 जगहों पे फॉरेन एक्सचेंज का मेनली काम हुआ करता था। उसके बाद इसकी लोकल कमेटी फंक्शन करती है बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता और न्यू दिल्ली में। अब जानते हैं दोस्तों फिडाई के बारे में। फिडाई एक, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि फिडाई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और यह एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी भी है। इट्स एक्सपेंसेस, जैसे कि इसका जो कुछ खर्चा होता है तो उसको सरकार नहीं देती है, इसके मेंबर्स जो होते हैं वही इक्वली एनुअल बेसिस पे इसको शेयर के हिसाब से इसको देते हैं पैसा, इसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फिडाई का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिडाई का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑथोराइज डीलर्स को फॉरेन एक्सचेंज RBI और अदर बॉडीज़ में एक कोरिलेशन का काम करना, एक रिलेशन स्थापित करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और फिडाई समय समय पे अथोराइज डीलर को एक गाइडलाइन इशू करती है। फिमडा और अदर ऑर्गेनाइजेशंस एक फॉरेक्स मार्केट को कितना और इवेंटफुल, फ्रूटफुल और इजी टू एक्सेस बनाया जाए उस पर फिडाई एक कैटलिस्ट का काम करती है, एक रिलेटिव अथॉरिटी का काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों फिडाई के मैनेजमेंट के बारे में। फिडाई मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला चेयरमैन, दूसरा वाइस चेयरमैन, तीसरा एडिशनल वाइस चेयरमैन और चौथा है मैनेजिंग कमेटी। दोस्तों इन चारों में मैनेजिंग कमेटी काफ़ी पावरफुल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों फिडाई के रोल के बारे में। फिडाई का वैसे तो बहुत सारा रोल है दोस्तों, लेकिन जो इसका मेन रोल है कि एक रूल्स फॉर्मुलेट करता है जो ऑथराइज डीलर, RBI और अदर गवर्नमेंट बॉडी के बीच में एक रिलेशन, एक जो है मतलब कि एक दूसरे से संबंध स्थापित करने में काम आता है। और ये एक फैसिलिटेटर का भी काम करता है दोस्तों, बैंक, RBI और एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और अदर गवर्नमेंट बॉडी या सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडीज़ के बीच में। यह मेंबर बैंकों के साथ भी काम करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि फॉरेक्स और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में की प्रायोरिटीज़ में क्या परेशानियाँ हैं, क्या और कुछ बेटर किया जाए, इस बेटरमेंट को और अच्छे तरीके से निर्वहन करने के लिए ही फिडाई का काम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेट्स, जो बेंचमार्क होता है रेट का, ये फिडाई अनाउंस करती है ऑन वीकली बेसिस। FCNR बेस रेट भी फिडाई ही अनाउंस करती है। दोस्तों FCNR भी जो है आप ये देख रहे हैं, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये फॉरेन करेंसी का एक पार्ट है। ये एक टर्म डिपॉजिट होता है जो मिनिमम जो है 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है, ये हम किसी सेपरेट वीडियो में इसका चर्चा करेंगे। और एक होता है मंथली इंड रीवैल्यूएशन रेट्स, ये भी फिडाई ही इशू करती है। और डॉलर और रुपया, इन दोनों का जो ऑप्शन वोलेटिलिटी होता है, ये भी फिडाई ही इशू करती है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना ज्ञानवर्धक लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।